आसान नहीं होता फौजी कहलाना, अपनी रगों में जज्बातों को पिघलाकर लोहा भरना पड़ता है। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अमरनाथ की यात्रा करके आई हूँ और मैं आर्मी बेस कैंप में ही थी। वहाँ मैंने जो आर्मी का रूटीन देखा वो देख के मेरा दिल झकझोर गया कि ये भी एक रूटीन होता है। हम सिर्फ यही रूटीन जाते हैं कि हम 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, जॉब पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं, हम परिवार के साथ रहते हैं। वो 12 घंटे की ड्यूटी भी करते हैं, परिवार के साथ भी नहीं रहते। वो खाना कब खाते हैं, वो सोते कब हैं, हमें कुछ भी नहीं पता रहता। उनका बस एक ही लक्ष्य रहता है, हमारे देश की सेवा, हमारे देश के लोगों की सेवा। और ये मैं इतने नज़दीक से देख के आ रही हूँ। मैं अभी तक सिर्फ इंडियन आर्मी जानती थी कि हाँ बहुत मजबूत है हमारी आर्मी, आर्मी सब कर सकती है। ये मैं प्रैक्टिकली देख के आ रही हूँ कि वाकई आर्मी सब कर सकती है। आर्मी 13,000 फीट के ऊपर जेसी भी चढ़ा सकती है। हमारी अमरनाथ यात्रियों की यात्रा सफल हो उसके लिए वो पुल बना सकती है। वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर सकती है। वो हमारे लिए भाई का काम कर सकती है, माँ का काम कर सकती है। हर चीज़ हमारी आर्मी कर सकती है। हम एक चीज़ से कभी बोर भी हो सकते हैं कि हमें एक जगह खड़े रहना है, हम बोर हो गए। बोर क्या होता है शायद उनकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। ठंड क्या होती है उनको नहीं पता, बारिश क्या होती है उनको नहीं पता। उनको बस एक चीज़ पता है, वो है सेवा और देश की सेवा। गर्व है मुझे अपनी इंडियन आर्मी पर, अपने भारत पर, कि आप इतनी अच्छी सेवा हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। आपको जितनी बार नमन किया जाए उतनी बार कम है।